नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के चैनल। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय सोनाभा ज्वेलर्स, देशक प्रतिशत शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। और हेवन सैलून, बेस्ट सैलून इन द टाउन। हमीरपुर में उपभोक्ता संरक्षण संगठन द्वारा मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने की शिरकत। मनाली में पर्यटन सीजन शुरू, अतिथि देव भव का उद्देश्य लिए कुल्लू जिला उपायुक्त ने पर्यटन से जुड़े व्यापारियों के साथ की चर्चा। मंडी में जिला पुलिस द्वारा आयोजित की गई क्राइम मीटिंग, जिला में पेश आ रही आपराधिक घटनाओं पर की गई विस्तार से चर्चा। और कुल्लू के जबाड़ी मेले में कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिला के विभिन्न स्थानों से आई टीमों ने लिया भाग। उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हमीर भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर धूमल का कार्यक्रम में पहुंचने पर शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केवल एक दिन मना लेने से कभी कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दिवस अपने मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसका सभी को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को खुद जागरूक होने की जरूरत है, तभी उपभोक्ता अपने अधिकारों को संजो कर रख सकेगा। सारा खाद्य सामग्री सप्लाई करता है, अगर वो स्टैंडर्ड का नहीं है, उस स्तर का नहीं है, तो फिर उनमें होगा। इसलिए आप पढ़ते मंत्री का बयान कभी फलाणी जगह पड़े छापा मारा, गैस का सिलेंडर में गैस कम थी, पेट्रोल पंप वाले का मीटर ठीक नहीं था। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जागरूक होना, केवल हर बार मंत्री जाएगा या विभाग का कोई व्यक्ति जाएगा, जैसे डीसी साहब ने कहा कि इतने लोग तो संभव नहीं होता उपस्थित हो, सब इसमें हमारे पास नहीं कि हर जगह पुलिस हाजिर हो। लेकिन जब हम पेट्रोल डलवाते हैं, क्या हम कभी ठीक से चेक करते हैं? क्या वो रीडिंग आ गई उसके बाद उसने पूरा जो पाइपलाइन में चल रहा था पेट्रोल, कुछ ड्रॉप्स ही होंगे चाहे थोड़ा डाला। कई बार हम अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, उदारता दिखाने के लिए कुछ भी कोई दे रहा है दे देना यार, देखते ही नहीं उसने वेट ठीक किया कि नहीं किया। सुशील जी ने एक बात कही जो बार बार आपको देखा होगा आपने एड में, आपको याद आया होगा जब उन्होंने कहा। वहीं उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन काम कर रहा है और जब भी कोई शिकायत करता है तो उसका निवारण करने के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहता है। कि आप कंज्यूमर फॉर्म में एप्लीकेशन दे दो उपभोक्ता अदालत में, उससे आपको न्याय मिल जाएगा, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा कानूनी जानकारी ये लें, वकील के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जानकारी लें कि वहां पे जितने आपके जिन लोगों के खिलाफ आपके शिकायत है आप उतनी कॉपीज भी बनाएं। और कम से कम मैंने यहाँ कंज्यूमर फॉर्म देखा कि सबसे बड़ी मुश्किल हमें आती है कि आप लोग हाथ से एप्लीकेशंस लिखते हैं। हाथ से लिखनी ठीक है, उसमें अलाउ कर देते हैं, लेकिन जब आप लोग हाथ से एप्लीकेशंस लिखते हैं तो जो वहां पे जजेस बैठे हैं या मेंबर्स बैठे हैं उनको पढ़नी मुश्किल हो जाती है कई बार। या तो उसको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें या फिर आप उसको टाइप करवा लें तो काफी बढ़िया रहता है, उससे लोगों को जजेस जो है उनको भी। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जितने लोगों के खिलाफ आपने केस करना है, जिनके खिलाफ आपकी शिकायत है, कम से कम उतने लोगों की आप कॉपीज बनाएं। अगर तीन लोग पार्टी हैं तो चार कॉपीज बनाएं हमारे लिए और तीन उनको देने के लिए, ताकि वो भी आपका रिप्लाई जो है वो फाइल करें। देरी जो होती है उसमें कंज्यूमर फॉर्म में वो इसी वजह से होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। इस अवसर पर
दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन की वार्षिक पत्रिका का भी मुख्य अतिथि प्रेम कुमार धूमल ने विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा की गई। वीरवार को मंडी जिला की मझवाड़ पंचायत में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम मंडी राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 15 मार्च को विश्व भर में विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में मंडी जिला की मझवाड़ पंचायत में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा जिला स्तरीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया। इस शिविर में मंडी जिला के एडीएम राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विभाग के अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि को बैज लगाकर व टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर एडीएम मंडी राजीव कुमार ने लोगों से आह्वान किया कि कोई भी वस्तु या उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतें व यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदा गया उत्पाद आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षित हो और उत्पाद खरीदते समय उसका बिल अवश्य लें। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने आशा जाहिर की कि लोग इस जानकारी का सही उपयोग करेंगे और आदर्श उपभोक्ता बनेंगे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है आज। इसकी आप सबको बधाई देता हूं क्योंकि आप सबके लिए है। बहुत सारे वक्ताओं ने मुझसे पूरे विचार रखे। मैं सिर्फ में ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप सामान खरीदते हैं सिंपल सादे शब्दों में, उस पर आपका अधिकार है कि वो सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित जो उत्पाद है बाजार के उनको खरीदे, उनका प्रयोग करें, चाहे वो खाने के हों, चाहे पहनने के हों, या कोई इस तरह के जूसेज हों, पीने के पदार्थ हों, तो सुरक्षित होने चाहिए। और जो उसके ऊपर उचित मूल्य है, जो मूल्य उसके ऊपर अंकित है, उससे अधिक मूल्य अगर कोई आपसे चार्ज करता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको नंबर बताया 1967 नंबर है, उस पर आप जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, उसकी शिकायत 1967 नंबर पर कर सकते हैं। और अन्य उत्पादों में अगर आपको कोई समस्या लगती है, आपके अधिक कोई पैसे चार्ज करता है, उसके लिए जैसे कि बताया गया कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता फोरम बने हैं, वहाँ पर आप शिकायत रख सकते हैं। वहीं इस मौके पर उपस्थित उपभोक्ता संघ के सदस्य हरमित सिंह बिट्टू ने बताया कि यूएनओ के द्वारा सन 1960 में उपभोक्ताओं के संरक्षण व उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। आज मंडी सदर की मझवाड़ पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। साल में दो बार उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। मेनता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ये है कि उपभोक्ता जो किसी भी तरह की सेवाएं ले रहा है पैसे देके, फीस देके, शुल्क देके, उसको उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं में गुणवत्ता और बाकी चीज़ें जो जिस चीज़ के लिए उसने पैसा पे किया है उसमें उसको सुरक्षा का अधिकार देना। अगर कल को उसमें से कोई खराबी निकलती है तो उसका रिड्रेसल, सुनवाई का अधिकार देना और बाद में उसमें हर्जाने का अधिकार भी इसमें संरक्षित है। इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए साल में दो बार कम से कम ये उपभोक्ता शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित किया जाता है। आपको बता दें कि 15 मार्च का दिन विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 24 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वीरवार को मंडी स्थित पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में जिला भर के थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मीटिंग की अध्यक्षता एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने की।
इस मीटिंग में जिला भर की आपराधिक घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मंडी पुलिस लाइन में वीरवार को एसपी मंडी, एएसपी मंडी, डीएसपी मंडी की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की क्राइम व वेलफेयर मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि मंडी पुलिस लाइन में क्राइम व वेलफेयर मीटिंग का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि वेलफेयर मीटिंग में सबसे पहले पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कार्यस्थलों पर पेश आ रही समस्याओं व कमियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि क्राइम मीटिंग में जिला भर के आपराधिक घटनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए। आज यहाँ पे पुलिस लाइन में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्राइम और वेलफेयर मीटिंग होती है उसका आयोजन किया गया और इसमें सबसे पहले हमने वेलफेयर मीटिंग की गई। उसमें सभी थाने और चौकियों से हमारे जो स्टाफ होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनके जो वेलफेयर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा होती है और जो हमारे यहाँ पे होने वाले कुछ इश्यूज़ हैं उनको हमने इमीडिएटली कर देते हैं और जो हमारे से ऊपर पुलिस हेडक्वार्टर को जाने होते हैं वो पुलिस हेडक्वार्टर को रेफ़र कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्राइम मीटिंग के दौरान जो है सभी थानों के जो SHOs हैं और चौकी इंचार्ज हैं उनसे सभी केसेस के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वहीं एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि जिला भर में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मंडी पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत ड्रंकन ड्राइविंग पर नजर रखी जा रही है और सभी थाना प्रभारियों को एल्को सेंसर दिए गए हैं और नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग के चालान भी काटे जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में पुलिस विभाग का सहयोग करें। सड़क दुर्घटनाओं को चेक करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि हम ड्रंकन ड्राइविंग को चेक कर रहे हैं। हमने सभी थानों को जो है एल्को सेंसर दिए हैं और ओवर स्पीडिंग को भी चेक कर रहे हैं। हमारे पास 3 डोपलर रडार है और जो हमारे हाईवे पेट्रोल है वो हाईवे के ऊपर ओवर स्पीडिंग के भी चलान कर रहे हैं। तो जो मेन इश्यूज जो रहते हैं एक्सीडेंट्स के ये रहते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से, ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, इन सबको चेक करने के लिए हमने स्पेशल ड्राइव चल रहा है हमारा। नेशनल हाईवे पर यातायात के नियमों का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। मंडी पुलिस ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग पर सख्त हो गई है और नेशनल हाईवे पर नाइट पेट्रोलिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसलिए नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें क्योंकि जान है तो जहान है। रिपोर्ट के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के चैनल। योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं आपके शहर के गांधी भवन में सेल सेल सेल, जहां आपको मिलेंगे मोंटे कार्लो के ब्लैंकेट्स, यही नहीं रासिंग और ग्वालियर की एक पैंट पीस के साथ एक पैंट पीस फ्री, यही नहीं खरीदिए एक पीस शर्ट और पाइए एक पीस शर्ट एकदम फ्री। यहाँ मिलेंगे वुलन जैकेट्स और स्वेट शर्ट फैक्ट्री रेट पर, तो आज ही पहुंचे सेल 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 योर टेक्सटाइल गांधी भवन मंडी हिमाचल प्रदेश।